हाय, मैं हूं कंचन गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर। भाभी, जल्दी से फोटो डिलीट कर दीजिए। उस फोटो में मम्मी ने आपके और रजत भाई आज की फोटो निकाली है। तो हमारा फोन, तो कोई हमारे फोन पर नहीं दिखेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वेल, कह सकते हैं कि बुआ जी के चार कामयाब होते होते रह गई। क्या कहना चाहोगे पहले? अरे, बहुत दुख लग रहा है। बहुत समझ के, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके मैंने ये जाल बिछाया था। पूरा दिन धूप में भागी दौड़ी, मैदान में गई, फ़ोटो खींची, लेकिन यहाँ आकर सब मिट्टी पलीद हो गया। बट कहीं ना कहीं आज बुआ जी की आवाज़ भी निकल गई मृतला के सामने, जो इतने दिन से दबी थी, बोल नहीं पा रही थी। आज उन्होंने खुद का, बोलते ना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सामने रख दी। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो वही है ना कि बात, जब भी पानी जो है वो सर के ऊपर से निकल जाता है तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। यूं भी हम बहुत टाइम से ये भूल चुके हैं कि हमारे संस्कार ये कहते हैं कि बड़े कितनी भी गलती करें, छोटों को उनके आगे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आज यही झटका जो है वो कल्याणी को लगा है, क्योंकि बेशक कल्याणी की कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, जब मृदुला उस पर चिल्लाई है तो कल्याणी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फट पड़ी। और कहीं ना कहीं अनमोल ने भी फोन के लिए आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा है। क्या कहना चाहोगे? अनमोल तो एक गिलहरी की तरह कभी इधर से उधर, उधर से इधर भागती रहती है बाबा। और मुझे देखो, क्या कहती है वो, तंदुरुस्ती की पहचान। मेरे लिए भागना दौड़ना कितना मुश्किल है। इतना ज़्यादा उसने कर दिया कि मुझे दौड़ा दौड़ा के मैदान तक तो ले ही गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल्याणी हूँ, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। हार तो मैं मानूंगी नहीं, कोई और चाल लगाऊंगी, कुछ और जुगाड़ करूंगी, जीत के दिखाऊंगी।